अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। जी 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 रमीज भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ। तो रमीज भाई, मेरा अली बात कर रहा हूँ। रमीज भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजा जब आप आए थे बोर्ड के अंदर, तो सबसे ज्यादा हमने आपको सपोर्ट किया था। माशाल्लाह हमारा चैनल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैंस मौजूद है क्रिकेट लवर अली के नाम से। तो वहां पर आपकी हमने बड़ी आवाज उठाई और एक सेलिब्रेशन का माहौल था वहां पर जब आप आए थे। लेकिन फिर हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई वर्ल्ड कप में जब आपकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आए। पहले आप एक अटैकिंग क्रिकेट को सपोर्ट करते थे, जब आप यूट्यूब पर बात किया करते थे, तो हमें लगता था यार रमीज भाई आएंगे तो बाकी अटैकिंग क्रिकेट शुरू हो जाएगी, जैसे एक बेसबॉल फार्मूला इंग्लैंड खेल रहा है कोई ऐसी हम भी क्रिकेट खेल लेंगे। लेकिन फिर आपके आने के बाद आपने डिफेंसिव क्रिकेट को थोड़ा सपोर्ट देना शुरू कर दिया, लाइक रिजवान बाबर जिस तरह शुरू में लेकर चलते थे। फिर आपने बाद में कहा यार हम अगर डिफेंसिव क्रिकेट भी खेलें इससे भी हमें जीत मिल सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं। और सेकंड शान मसूद के वाले पूछना चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूब पर होते तो मेरा तो ख्याल है 100% आप कभी भी शान मसूद की इंक्लूजन को जस्टिफाई ना करते T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और मजीद हमारे पास काफी अग्रेसिव ऑप्शंस उसमें मौजूद थे। और एक ओपनर के वाले से बता दें कि हारिस इतनी अच्छी जब ओपनिंग कर रहा था, हमने ओपनिंग में स्टिल क्यों रहे हम बाबर और रिजवान के साथ? अलग रिजवान लगातार ऑस्ट्रेलिया में पहले फेल होते रहे, बाद में बेशक बाबर और रिजवान ने एक मैच में अच्छे रन किए, लेकिन हारिस की इंक्लूजन हम एज अ ओपनर प्रॉपर क्यों नहीं करा सके टीम में? थैंक यू। देखें, पॉइंट कहने का यह है, पहले आप टीम की कैपेसिटी जानते हैं। मेरी विशलिस्ट तो बेकार है। मेरी विशलिस्ट यह है कि बाबर आजम 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए, रिजवान 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए, ठीक है जी। मगर आप देखते हैं कि किस लेवल के ऊपर, स्किल्स के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से और जीतने के हिसाब से हम क्या बेहतरीन चीज कर सकते हैं। जब मेरी इस टीम के साथ पहली मीटिंग हुई थी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो मैंने उनको एग्जैक्टली ये कहा था कि जी हमें अब अपना तरीका वारदात बदलना है, क्योंकि हम अभी पुराने वक्तों की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक जो जनरल इंप्रेशन मुझे ये मिला था कि जी फिर हमें कोई निकालेगा नहीं या हमारे साथ जाती नहीं करेगा अगर हम ऊंची शॉट मारते हुए आउट हो गए। वैसे ही सब जो थे उस वक्त घबराहट का शिकार थे, क्योंकि इतनी ज्यादा चेंजेस होती थी और इतना कॉन्फिडेंस डेंटेड था कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। सो उसके बाद डिसाइड ये किया कि मोड़ना तो है इस टीम को, मगर आहिस्ता आहिस्ता मोड़ना है। जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से हमने मोड़ना है। ये जो इंग्लैंड को आप देखते हैं खेलते हुए, ये एक टूर से नहीं हुआ है, ये पिछले 6 सालों से ये ट्रेनिंग हो रही है इनकी और इनका एक तरह से प्रोसेस डेवलप हुआ है। पाकिस्तान में प्रोसेस तो है नहीं, पहली दफा आपकी पाथवे क्रिकेट शुरू हुई है जिसमें कि PJL है, जिसमें कि आपकी 100 बेस्ट का लॉट है, जिसमें कि आपके फॉरेन कोचेज अब आके फर्स्ट क्लास टीम्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं। सो ये आपको प्रोसेस को टाइम लगता है। सो मैं तो कह दूं जी आप जाएं बाबर आजम और रिजवान, आप जाके जो है ना आप 6 ओवरों में मुझे 70 चाहिए, क्या चांसेस हैं उनके सक्सीड होने के? नहीं, बहुत कम। इसलिए कि उनके DNA में अभी वो चीज़ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे। जैसे हारिस का ऑप्शन जो है, मैं उसको जब मैंने देखा था उसको खेलते हुए, मैंने पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि इसमें फड़क है इस बच्चे में और आगे चल के वो गलतियां भी करेगा। मगर पॉइंट कहने का ये अली, आप जो व्हाइट बॉल के ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और अगर मैं उस वक्त यूट्यूब पे कर भी अगर रहा होता तो मुंह की खानी थी मैंने, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे एशिया कप का फाइनल खेले, वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, इंग्लैंड से ये 3-2 जीत रहे थे जो कि वर्ल्ड कप की और बल्कि दुनिया की बेस्ट व्हाइट बॉल की टीम। तो आपने हर जगह कंपेटिटिवनेस दिखाई है और ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती हैं। देखें, ये मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती हैं, इसमें टाइम लगता है। मगर ये कह देना कि कोई डिफेंसिवनेस को हवा दी गई है, बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है। आपने देखा है कि हमारे पास कितना लेवल है, कहां तक जा सकते हैं। जो चीज बन रही है उसको बिगाड़ने के लिए जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप इंट्रोड्यूस करते हैं बेतुकी सी बैटिंग। और फैंस तो वैसे ही जो है वो ये कहते हैं कि हम इंग्लैंड की तरह क्यों नहीं खेल सकते, हम ऑस्ट्रेलिया की तरह, वार्नर की तरह क्यों नहीं खेल सकते, फलानी टीम की तरह क्यों नहीं खेल सकते। देखें, बिल्कुल खेल सकते हैं, मगर उसमें टाइम लगता है, उसमें वक्त लगेगा। मैं नहीं सुन सकता। नेक्स्ट, रमीज भी मेरा आपसे क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलकर बाहर हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया भी खेल रहा था, इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हुआ था, लेकिन जब वो लोग वापस गए हैं तो वहां पर एक प्रॉपर तौर पर मीटिंग स्टार्ट हो गई है जिसमें अब जो है रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने की बात की जा रही है और हार्दिक पांड्या को नया कैप्टन जो इंडिया का इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जब हम वापस आए वर्ल्ड कप खेल के, तो हमने तो प्रॉपर तौर पर यहाँ पर माशाल्लाह डिनर किए और सही हमने सेलिब्रेशन किया कि हम फाइनल में पहुंच गए। लेकिन नहीं, वो बात ठीक है, हम दुनिया जान से हारते जा रहे थे तो क्या कमेटी बन जाती और यहाँ पे वहाँ पे हमारी फ्लाइटें अनाउंस होनी शुरू हो गई थी कि वापस आएंगे ये टीम 92 में। मैं आपको अखबार की हेडलाइंस कर रहा हूँ कि इनका जूतियों के हारों से इस्तकबाल किया जाए। ये 92 वर्ल्ड कप मिडवे थ्रू में यहाँ पे अखबारों में हेडलाइंस लग रही थी, तो एंड में क्या हुआ, वर्ल्ड कप जीत गए। तो आप बात कर रहे हैं कि ये मैं जो है कि हैप हैजर्ड तरह से किसी जिम्बाब्वे से हार गए तो मतलब क्या उसकी बाबर आजम की कप्तानी निकाल दें हम या इंक्वायरी लॉन्च कर दें? ये कौन सी यार, ये तो मैं समझ रहा था कि आप थोड़ी क्रिकेट समझते हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे।